हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो आज है यार बिग बिलियन फेस्टिवल #2। तो बिग बिलियन फेस्टिवल न्यूज का सबसे सेकंड एपिसोड है आज यार। और आज मैं कवर करने वाला हूँ कि क्या हॉट डील्स आई हैं आज सैमसंग के ऊपर। सबसे पहले क्योंकि सैमसंग आज काफी ज्यादा तगड़े जोश में लग रहा था मुझे फ्लिपकार्ट पे। और एज यूजुअल मैं आपको बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट मेरे को लग रहा है इस साल भी बाजी मार जाएगा और बहुत बढ़िया डिस्काउंट दे रहा है कंपेयरिंग टू अमेजोन। अमेजोन पे भी आज रिवील था सैमसंग का, फ्लिपकार्ट पे भी रिवील था। बट ऑनेस्टली पहले ही बता देता हूँ, अमेजोन के रिवील पे मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आया। मतलब मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले जो मजाक क्या हुआ कल रात को, जो रेड कर्टन हटा और S22 निकला, तो यार S22 निकला तो है बट स्टिल अभी 19 को रिवील बचा हुआ है। तो 19 को रिवील बचा हुआ है तो आपके पूरे चांसेस है, हो सकता है कि आपको आईफोन भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता अमेजोन पे कोई भी आईफोन सस्ता ना हो, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट हमेशा टॉप टीयर जो सबसे नई सीरीज होता है ना उसको सबसे पहले कर देता है। जैसे 13 फ्लिपकार्ट ने कर दिया तो अमेजोन डेफिनेटली 12 को तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना करे। और उसके पहले की रिवील वाले डे उसमें भी दिख रहा था कि वो करने वाला है। हो सकता है एक अलग से इवेंट ना करे बट डेफिनेटली आपको 12 तो देखने को मिलेगा अमेजोन के ऊपर। और अब स्टार्ट करते हैं जो सैमसंग की डील आई है, जो घातक डील्स आई है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। पहली डील तो यार मैं आपको अमेजोन से बता देता हूं जो ठीक ठाक है। M13 अगर आपका बजट 12,000 के आसपास है तो आप देख सकते हैं, वो फोन आपको 10 के आसपास मिल जाएगा। जो इतना एक्साइटिंग डेफिनेटली नहीं है फोन, मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। एक्सिनोस 850 प्रोसेसर है, 6000 mAh की बैटरी है, वो एक इसकी खास पॉइंट है मुझे लगता है फोन का। इसके अलावा F23 5G फोन है, जो कि मुझे लगता है काफी बढ़िया फोन मिल रहा है इस रेंज में, क्योंकि उसके अंदर 750G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। इस प्राइस पॉइंट में जो प्राइस पॉइंट है 11,000 रुपए का, मुझे लगता है काफी अच्छी डील बना देता है 5000 mAh की बैटरी के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, जो धमाका ऑफर है, मतलब लिटरली धमाका ऑफर है, वो है S21 FE। मतलब करंट प्राइस 50,000 है, जो सेल प्राइस हुआ वो 32,000 रुपए। 32,000, आपने सही सुना, 32,000 में S21 FE मिलेगा आपको। तो मुझे लगता है कि इस रेंज का अब ये वन ऑफ द बेस्ट फोन बनता हुआ दिख रहा है। इसके कंपैरेटिव में आपको मिलेंगे GT2 Pro, जो इस प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहा है। डेफिनेटली स्पेक्स वाइज वो बेटर होगा, बट अगर आपको ब्रांड का नाम चाहिए तो यार ये आप ले सकते हो। बाकी मेरा सैमसंग पे ना उतना विश्वास रहा नहीं है, काफी साल से मैंने सैमसंग यूज किया है और मेरे को थोड़ा सा ना UI कुछ टाइम 6 महीने के बाद फील होने लग जाता है कि भाई जीटर हो रहा है, लैग हो रहा है। तो पता नहीं, मतलब मैं एक्साइटेड बहुत हूँ इस प्राइस से, बट पर्सनली मैं स्टिल 32,000 रुपीज, आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको बाय करना है नहीं करना। जो है मैं आपको सही सही बता रहा हूँ जो प्राइस आ रखा है। 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले है, डिस्प्ले वाइज आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। बेजल्स भी बहुत थिन है S21 FE में, कैमरा भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं, आपको सैमसंग लेने का मन है, काफी लोगों को चाइनीज ब्रांड लेने का मन नहीं होता, तो आप डेफिनेटली इस पे जा सकते हैं। ये काफी अच्छी डील है डेफिनेटली। S22 Plus देखने को मिल सकता है 60,000 का, जो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी डील है। अगेन S22 Plus 8th Gen 1 स्नैपड्रैगन के साथ आता है और ऊपर से आपको अच्छी चीज कहना, टॉप नॉच आपको कैमराज मिल रहा है उसके अंदर। तो आप डेफिनेटली S22 Plus के ऊपर जा सकते हैं अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो। और एक फोन और यहाँ पे आया हुआ है F13 करके, जो है 12,000 रुपए का करंट प्राइस है। और स्पेशल प्राइस जो आ सकता है वो है 8,500 रुपीज का। अच्छी बात क्या है इसके अंदर भी, वो है 6,000 mAh की बैटरी है, 850 एक्सिनोस का प्रोसेसर है। तो यार ये जो प्राइस वाले अब फोन आए हैं ना सैमसंग के, तो फ्लिपकार्ट के इसमें मोस्टली सारे फ्लिपकार्ट ही है। जैसे S21 FE ले लो, S22 Plus ले लो, और F13 ले लो, और इसके अलावा F23 ले लो, ये सब फ्लिपकार्ट में है। M13 का प्राइस है जो मैंने आपको बताया वो अमेजोन वाला है, और अमेजोन पे और जो प्राइस आए हैं वो बताने लायक ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए मैं ज्यादा उन पर डिस्कस करके आपका समय खराब नहीं करूंगा। आप अगर आईफोन लेने की सोच रहे हैं ना, तो यार मैं एक चेकलिस्ट सुबह सुबह लाइव करी है, या ऐसी कोई फोन लेने की सोच रहे हैं जो फ्लैश सेल आ सकती है, जैसे आईफोन 13 की आ सकती है, 12 मिनी की आ सकती है, 12 की आ सकती है बिग बिलियन पे, तो 12 मिनी और 11 क्या सकती है, 12 तो शायद अमेजोन पे देखने को मिल सकता है आपको। तो इन सब के लिए ना एक स्पेशल चेकलिस्ट वाली वीडियो सुबह लाइव करी है, उसका लिंक यहाँ पे भी डाल दूंगा आई बटन में और पिंड कमेंट में भी, ताकि आप वहाँ जाके देख के रेफर कर सकते हैं और वहाँ से आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कैसे आपको तैयारी रखनी है, आपको क्या करना है। और अगर आपके पास अभी तक फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट नहीं है या अर्ली एक्सेस नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ ताकि आपके लिए अर्ली एक्सेस का जुगाड़ कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो शायद आपको वो जुगाड़ पता चल जाए। कोशिश पूरी है आपकी हेल्प करने की, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम फॉलो करना लाइटनिंग फास्ट डील्स के लिए, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट डाउन बिलो। 13 मिनी का यार अभी तक कोई हमें हिसाब किताब नहीं पता चला है, आप शायद काफी लोगों का 13 मिनी रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत चांसेस है हो सकता है वो एक वाइल्ड
फ्लिपकार्ट की तरह कम आ जाए सेल के अंदर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो ये एक बहुत ही देखने वाला होगा कि क्या आगे चलता है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे या इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।